जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। दर्शकों, राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से विश्व शांति और 2019 में होने वाली महाप्रतिष्ठा के प्रचार प्रसार हेतु तमिलनाडु के कृष्णगिरी धाम से निकला विश्व शांति रथ जगह जगह धर्म की महती प्रभावना कर रहा है। इस श्रृंखला में कल आपने देखा था कि रथ विगत 28 सितंबर को राजस्थान के गंगरार पहुंचा, जहां अनेकों भक्तों ने रथ में विराजत भगवान पार्श्वनाथ के दिव्य दर्शन किए और पूजन का पुण्य लाभ लिया। दिन भर दर्शन वंदन का लाभ लेने के बाद रात्रि में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों भक्तों ने मंगल भजनों पर प्रभु की भक्ति की। संगीतकार ने भी एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी
पेड़ा की मरती बालू साई लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला आम पाकने रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा फेरू जीव गावो जीवो जी भोग लगावो ये चंपन भोग तैयार हरा बालूड़ा करे मने हरे 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 तो खेलिया भेरू आ तो जो गणिया रे सा कलयुग में पर जागणा भेरू जीरा चोक मारे लिमडारी छाया हो मांगी छोरी ने दी दो छोरो हमारा बेरुजीरी माया मांगी छोरी ने दी दो छोरो बेरुजीरी माया क्या कहना है खूब सुंदर सा भजन है हरे भगेरे भगेरे दारे भगेरे भगेरे दारे भगेरे भगेरे हरे भगेरे गुगरी हरे मार बेरुजी लटिया राजे हो हरे हरे भगे हरे भगे हरे भगे गुगली हरी मार मेरे जी लखियारा हरे भगे गुगली हरी मार मेरे जी लखियारा ये भजन तभी आगे बढ़ेगा जब ओ जोरे उठिए हरे भगे भगे सारे भगे भगे सारे आइए हे हरे भगे गुगली हरी मार मेरे जी लखियारा हरे भगे गुगली हरी मार मेरे जी एक बार आ जाइए जी लखियारा दर्शकों आइए अब नजर डालते हैं महासंत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में बड़ी सादड़ी में आयोजित हुई भव्य नाकोड़ा भैरव भक्ति संध्या के दृश्यों पर, जिसमें पूज्य महाराज साहब ने भक्तों को ऐसी भक्ति कराई जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। विराजमान हो स्वर्ण सिंहासन में, उसके दोनों तरफ भूत प्रेत बिचाच बेताल यक्ष किन्नर राक्षस गंधर्व गरुड़ महोरग आदि रक्षा करते खड़े हों,
उसके बीच में स्वर्ण सिंहासन में स्वर्ण खड़क को चरण में रख के एक आंख से अग्नि निकालने वाले, दूसरे में अरुण नाम के सारुति को लेके सूर्य के रूप में चमकने वाले दिव्य चक्षु वाले, तीसरे आंख में 27 नक्षत्रों के साथ रोहिणी आदि देवताओं के साथ चंद्रदेव तीसरे आंख में विराजमान हो, हृदय में शिव रूप हो, मन में कपाल रूप हो, दिव्य ज्योतिर्मय रूप हो, श्री भैरवनाथ रत्न मुकुटधारी बन के विराजमान हो, उनके चरण में जाके पढ़ के हाथ जोड़ के छाया देवी वंदन करती है। भैरव देव पूछते हैं कि सूर्य पत्नी, हे छाया देवी, कैसे आना हुआ, क्या कारण है? छाया देवी हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु मेरे बेटे को आपका शिष्य बनाने लाई हूं, पानी पीजे छान के न गुरु कीजे जान के। पानी को कैसा पीना चाहिए? जान के। गुरु को कैसे करना चाहिए? जान के। गुरु को बगैर जाने करो, गुरु खोटा निकल गया तो आपकी सीखी हुई विद्या गलत हो जाएगी, सच्चे गुरु के चरण में होना चाहिए। हाथ जोड़ के कहती है, इसको शिष्य रूप में स्वीकार करो। भैरव देव कहते हैं कि इसको मेरे शिष्य बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रभु ये बालक काला रूप वाला है, मंद बुद्धि वाला है, लेकिन आपकी कृपा पालेगा तो पराक्रमी वीर हो जाएगा। देवलोक में हर बालक इसकी तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैंने शपथ लिया कि ये बालक सबके अपमान को खंडित करके उनको सिखाएगा, अहंकार का दंड देगा। जब तक मेरे बाल का जूड़ा नहीं बनाऊंगी, मैंने बाल खुला छोड़ दिया है। मेरे बेटे को सक्षम बनाओ प्रभु, इसलिए आपके चरण में मैंने उसको लाके चरण में आपके शिष्य के रूप में छोड़ा। भैरव देव ने उस लड़के को शिष्य के रूप में स्वीकारा। अब वहीं छोड़ के छाया देवी सूर्य लोक में चली गई। वो बच्चा भैरव के पास ज्ञान सीख रहा है। क्या सीख रहा है? ज्ञान। अभी एक फूटी मटकी में पानी भरो, वो पानी अंधकार को दूर किया है। फूटी मटकी में पानी भर के बता दिया चमत्कार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। 30,000 साल तक वो बालक भैरव के चरण में विद्या सीखा। कितना साल? 30,000 साल। बोलो कितने साल? 30,000। 30,000 साल में ज्ञान विद्या, अक्षर विद्या, मात्रा विद्या, नक्षत्र विद्या, ग्रह विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, वेद विद्या, पूजा विद्या, शास्त्र विद्या, साधना विद्या, हजारों विद्या सीखे। एक दिन भैरव देव कहते हैं कि तेरी पढ़ाई पूरी हुई बेटा, अब तू जा सकता है, तेरी माँ को बुला। बेटे ने माँ को याद किया, उसी समय छाया देवी वहां प्रकट हुई। भैरव देव कहते हैं कि इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब इसको तू ले जा सकती है सूर्य पत्नी। वो बालक कहता है, गुरुदेव मैं जाने के पहले आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। क्या देना है? दक्षिणा। क्या देना है? गुरु दक्षिणा। दक्षिणा देना है। अब स्वर्ण रत्न रजत दक्षिणा दी, क्या दक्षिणा दी बताओ? क्या दक्षिणा दी? कौन बताएगा? ये बालक उसी समय वो स्वर्ण सिंहासन के पास रखे हुए खड़ग को उठाया, तलवार को, अपना सिर काट के अपने खुद को ही दक्षिणा के रूप में दे। अब ये दक्षिणा देते ही पूरा भैरव लोक कांप गया। 64 योगिनिया, भैरव, भूत आदि परिवार देखते रह गए कि ये बालक ने खुद को त्याग दिया। सब विचार में पड़ गए कि ये क्या हुआ। छाया देवी रोने लगी, बेटा खुद का
का बेटा अगर मुर्दा बन के पड़ा हो तो माँ के मुंह से चीख निकलेगी कि नहीं? जोर से चिल्ला रही है छाया देवी के, अरे बेटा तुझे ज्ञानी बनाने, विद्वान बनाने, संस्कारी बनाने में लेके आई थी, लेकिन तू तो खुद ही चले गया रे, अब क्या बचा? मैं किस लिए यहां लाई, मैं किस लिए यहां छोड़ी? अरे गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए मेरु पर्वत जितना धन भी दे देता तो मैं छोड़ देती, खुद को दे दिया, अब क्या बचा? इतने में वो दड़ अलग और शरीर अलग पड़ा है। उधर भैरव देव ने हाथ ऊंचा किया, हाथ से रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी उस दड़ पर गिरने लगी, सिर और दड़ दोनों एक होने लगा। उसी समय वो बालक वापस जीवित होके खड़ा हो गया। हे सूर्य पत्नी, मैं मारने वाला नहीं तारने वाला हूं, मेरे सामने मुर्दे भी जीवित होते हैं। मेरे पास आए हुए मरते नहीं, मरे हुए मेरे पास जीवित होते हैं। ये बालक ने खुद को ही मेरे सामने बलि के रूप में त्याग दिया। इस बालक की गुरु दक्षिणा से मैं अति प्रसन्न हुआ। ये बालक की इच्छा थी कि सातों लोग इसको देख के डरें और ये पराक्रमी बने। आज मैं भैरव इसको वरदान देता हूं। आकाश में 8 ग्रह घूम रहे हैं, आज से ये बालक सूर्य पुत्र 9वां ग्रह के रूप में शनिश्वर के नाम में जाना जाएगा और ये बालक पराक्रमी। भैरोजी मारा भैरोजी, तारा प्यारा लाके बोले भैरोजी मारा भैरोजी। इनु भैरोजी रो जवाब नहीं, मुछिया वाला बाबा रो जवाब नहीं, प्यारा प्यारा लागे मन ने भैरोजी, भैरोजी मारा भैरोजी, प्यारा प्यारा लागे मन ने भैरोजी, भैरोजी मारा भैरोजी। हाथ उठाओ भक्तों, ए मौका। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र।